नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी के मेरिट लिस्ट को लेकर के, साथ ही हम बात करेंगे आप सभी से जो है पेंडिंग रिजल्ट के सुधार को लेकर के। साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी है कि पार्ट थ्री का मार्कशीट जो है कॉलेज में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी जानकारी हमें दे दे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे मार्कशीट के ऊपर जो है पेंडिंग ठीक होने के बाद मार्कशीट नंबर अभी तक के नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही जो है इस चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पेंडिंग रिजल्ट के सुधार को लेकर के। तो देखिए, पेंडिंग रिजल्ट के लिए जो है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने जो है एक मिशन पेंडिंग का जो है अभियान चलाया था, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट के पेंडिंग रिजल्ट है उसको पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद उनके रिजल्ट को जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए। यहाँ पे आज के अखबार में भी छपा है कि पेंडिंग को लेकर के एक जो है विशेष फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो इस रिपोर्ट को देखिए, बीबी में जो है पेंडिंग ठीक करने को जो है फॉर्मेट तैयार। यहाँ पे बताया कि बीआरबीयू में जो पेंडिंग को ठीक करने के लिए जो परीक्षा विभाग ने जो है एक फॉर्मेट तैयार किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टी के डे सर ने जो है बताया है कि फॉर्मेट सभी कॉलेज को जो है भेजा जाएगा, और फॉर्मेट में जो है कॉलेज को जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जिस विषय में पेंडिंग है उसका नाम, पेपर जिसमें जो है अंक नहीं चढ़ा है उसका नाम, साथ ही जो कॉपी नंबर और पेंडिंग का जो है कारण क्या है वो लिखना होगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पेंडिंग की जो है जानकारी के लिए जो है अलग से जो है एक ईमेल आईडी बनाई गई है। उस ईमेल आईडी पे कॉलेज जो है विषयवार तरीके से जो है अपने पेंडिंग के फॉर्म को भेजना शुरू करेगी, और उसके बाद स्टूडेंट का रिजल्ट जो है रेक्टिफाई करके ठीक किया जाएगा। लेकिन इस केस में भी स्टूडेंट को जो है जिस सेंटर पे उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है वहाँ से अटेंडेंस मेमो और कॉपी मेमो निकलवाना पड़ेगा, अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स छूट गया या एबसेंट दिखा रहा है तो। इसकी जानकारी आपको जो है समय समय पर आपके अपने कॉलेज से मिलते रहेगी जैसे ही आप पेंडिंग के लिए जो कॉलेज जाएंगे। बहुत सारे कॉलेज इस चक्कर में जो स्टूडेंट से पैसे भी ठग लेते हैं, तो ये सारी समस्याएँ भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं हम पहले तो पीजी के मेरिट लिस्ट को लेकर के। पीजी का मेरिट लिस्ट जो कि पहला मेरिट लिस्ट आपको 21 से 26 जनवरी के बीच देखने को मिल सकता है। 15 जनवरी तक जो है अभी आवेदन करने की तिथि एक्सटेंड की गई, तो अभी आज 15 जनवरी है, आज आखिरी जो है तिथि है पीजी में नामांकन कराने के। अभी तक के 18,000 से ऊपर फॉर्म्स जो है आ चुके हैं, सीट 7,000 ही है पीजी में, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा उम्मीदवार जो है खड़े हैं एक सीट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उनका पहले कट ऑफ लिस्ट में आने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी पे भी जो है आपके एडमिशन्स होते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, तो आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी भी देखना होगा। साथ में जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनका भी नाम चयनित किया जाएगा अगर उनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो। तो कट ऑफ लिस्ट कितना हाई जाता है कितना लो जाता है वो आपको देखने को मिलेगा पहले मेधा सूची के अनुसार। तो आप बताइए, आपने भी क्या नामांकन पीजी में लिया है और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? तो आप जो है तैयार रहिए, मेरिट लिस्ट का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और आपको इनका जो नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ये तो हो गई बात पीजी के फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के। साथ ही एडिट ऑप्शन ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो UMIS का जो सपोर्ट ईमेल दिखा होगा आपको कहीं पे भी, तो उस सपोर्ट ईमेल पे रिक्वेस्ट रेज करिएगा तभी एडिट का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन के लिए जो आपको एक एडिट करने का ऑप्शन जो ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आपका अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया है आप उसको एडिट कर पाएँ, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद ही बनेगा, तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट मार्कशीट को लेकर के पूछ रहे हैं। तो देखिए, मार्कशीट को लेकर के बताया गया कि 15 जनवरी के बाद से कॉलेजेस में भेजा जा सकता है। हालांकि कॉमर्स के स्टूडेंट का पहले ही आ चुका था रिजल्ट, तो उनका मार्कशीट मे बी प्रिंटेड होकर के उनके कॉलेज में जाना शुरू हो गया होगा, लेकिन बीए और बीएससी का जो है लेट से रिजल्ट आया है तो इसमें टाइम लग सकता है मार्कशीट में, तो आपका मार्कशीट मे बी थोड़ा डिले होकर के पहुंचे आपके कॉलेज में, क्योंकि अभी भी जो बीए और बीएससी में कई ऐसे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्कशीट नंबर अलॉट नहीं हुआ है। इवन दो जिनका पेंडिंग अभी ठीक हो रहा है तो उनका भी अभी तक के मार्कशीट नंबर नहीं मिला है, लेकिन आपको जो है अभी चिंता करने की बात नहीं है, मार्कशीट नंबर आपको 1 से 2 हफ्ते के भीतर अलॉट हो जाएगा। अगर अलॉट नहीं होता है मार्कशीट नंबर उसके बाद आप हमें इन्फॉर्म करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।